काली तारा महाविद्या शौरशी भुवनेश्वरी भैरवी चिन्ह मस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एत दस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। दस महाविद्या समय और हमारे जीवन चक्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करती है। इन दस महाविद्याओं में ही सारा ज्ञान सारी क्षमताएं अतीत वर्तमान और भविष्य समाहित है। काली तारा शौरशी भुवनेश्वरी भैरवी चिन्ह मस्ता धूमावती बगलामुखी मातंगी और कमलात्मिका ये दस महाविद्याएं ज्योतिष में नौ ग्रहों से जुड़ी हुई है। हमारे जन्म कुंडली के पीड़ित तथा कमजोर ग्रह को सुधारने के लिए माता की दस रूपों की पूजा यानी दस महाविद्याओं की पूजा सबसे उचित और उत्तम होता है। इससे हमारे कमजोर या फिर पीड़ित ग्रह मजबूत तो होते ही है, साथ ही माता की दस रूपों की पूजा करने से हमारे जीवन में धीरे धीरे एक बदलाव आने लगता है, जो बदलाव हमारे अच्छे के लिए होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ग्रह मजबूत करने के लिए कौन सी महाविद्या की पूजा हमें करनी चाहिए। दस महाविद्याओं की सिंपल सी जो पूजा है वो सभी लोग कर सकते हैं, और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी हम अपने ग्रह को यानी पीड़ित या फिर कमजोर ग्रह को मजबूत करने के लिए किसी भी महाविद्या की पूजा करते हैं ना, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जन्म कुंडली में कमजोर तथा पीड़ित सूर्य को मजबूत करने के लिए देवी मातंगी की पूजा करना लाभकारी होता है। जब हमारे चंद्रमा कमजोर या फिर पीड़ित होता है तब माना जाता है कि देवी भुवनेश्वरी की पूजा करने से चंद्रमा बलवान होता है और शुभ फल देने लगता है। जन्म कुंडली में मंगल कमजोर पीड़ित तथा मंगल दोष बनने पर माता बगलामुखी की उपासना करने से मंगल मजबूत होता है और शुभ फल प्रदान करने लगता है। खराब स्थिति वाले बुध के साथ पैदा हुए लोगों को देवी शौरशी यानी मां कामाख्या की पूजा करनी चाहिए। देवी तारा बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है, उनकी पूजा करके बृहस्पति के अच्छे प्रभावों को बढ़ाया जा सकता है। जीवन में सभी सुख सुविधाओं विलासिता और भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए देवी कमलात्मिका यानी माता कमला की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है और उससे यानी माता कमलात्मिका की पूजा से हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है और शुभ फल प्रदान करने लगता है। जन्म कुंडली में जब शनि ग्रह पीड़ित या फिर कमजोर होता है, शनि दोष बनता है, तब माता काली की पूजा करने से शनि ग्रह मजबूत होता है और हमें शुभ फल प्रदान करने लगता है। साथ ही माता काली की पूजा करने से शनि दोषों से भी हमें मुक्ति मिलती है। जब भी हमें राहु परेशान करता है तब राहु को शांत करने के लिए और भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए देवी चिन्ह मस्तिका की पूजा करनी चाहिए। देवी धूमावती केतु को नियंत्रित करती है, इनकी पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही केतु भी शांत होता है। जन्म कुंडली में लगन राशि या ग्रह कमजोर या पीड़ित होने पर माता भैरवी की पूजा करनी चाहिए। ग्रह पीड़ित हो या ना हो, माता के इन दिव्य दस रूपों की पूजा करने से ग्रह हो नक्षत्र हो या कोई भी परेशानी हो, माता जरूर अपने बच्चों की सहायता करती है और उन्हें हर एक मुश्किल से निकाल कर लाती है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।